बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एमसीक्यूज़ रिवीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो का पार्ट टू है। तो अगर आपने पार्ट वन को नहीं देखा तो आप क्या कर रहे हो, पहले पार्ट वन को भी देख लेना, उसके अंदर भी हमने अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन के रिवीजन किए हैं। तो पार्ट टू के अंदर भी हम इन्फ्लेमेशन को रिवाइज करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो अभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो सबसे जो 5वां एमसीक्यू था नंबर 5, इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि 35-year-old man हैड इंक्रीज डिस्निया, रिस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है, हाइपरकैपनिया की वजह से, हाइपोक्सीमिया की वजह से भी डिस्निया हो सकता है, न्यूरोजेनिक डिस्निया भी हो सकता है। ठीक हो गया। आगे चेस्ट के रेडियोग्राफ में पता चला कि लार्ज बाइलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। प्लूरल इफ्यूजन है जो लंग्स को बाहर से कंप्रेस करेगी। और जब थोरैकोसेंटेसिस परफॉर्म किया गया तो उसके अंदर आपको क्लाउडी येलो फ्लूड देखने को मिला। क्लाउडी शो कर रहा है कि उसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में फ़र्क क्या होता है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दोनों एडिमा होते हैं, लेकिन एक्सुडेट बनता होता है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से, वैसोडाइलेशन की वजह से। टिपिकल जो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है उसको एक्सुडेट बोलते हैं। इसके अंदर आपको जो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, फिब्रिनोजन कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, सेल का कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं उनका लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। अब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो एक्यूट है क्रॉनिक है। एक्यूट और क्रॉनिक में क्या क्या फ़र्क होता है। एक्यूट फास्ट होती है जबकि क्रॉनिक स्लो होती है। एक्यूट को कुछ टाइम लगता होता है, थोड़ा सा टाइम लगता होता है डेवलप होने में, मिनट्स या आवर्स, जबकि क्रॉनिक को डेज लग जाते हैं। एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल आते हैं, क्रॉनिक के अंदर मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट आते हैं। टिश्यू इंजरी एक्यूट के अंदर माइल्ड और सेल्फ लिमिटेड होती है, क्रॉनिक के अंदर सीवियर और प्रोग्रेसिव होती है। जो लोकल सिस्टमिक साइंस होते हैं वो एक्यूट के अंदर रिलेटिवली क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। और लोकल साइन कौन कौन से होते हैं, रेडनेस होती है जिसको र्यूबोर बोलते हैं, ट्यूमर को स्वेलिंग, हीट को कैलर, पेन को डॉलर, और फंक्शियोलेजिया लॉस ऑफ फंक्शन। जबकि इन्फ्लेमेशन के सिस्टमिक साइन क्या क्या होते हैं, जो आपको ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो वो सबसे पहला जो क्रिटिकल साइन है वो है फीवर। ठीक हो गया। पहला क्रिटिकल साइन क्या, फीवर है। फीवर क्यों होता है, साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ख़राब कर देता है। दूसरा आपको एक्यूट फेज रिस्पॉन्ड देखने को मिलता है कि जो साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 6 होता है, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलते हैं, ये क्यों देखने को मिलता है, जो साइटोकाइंस होते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये ल्यूकोसाइट के प्रोडक्शन को और इनकी रिलीज को बढ़ा देते हैं। उसके साथ बाजों का ऐसा होता है कि सेप्टिक शॉक भी हो जाता है। सेप्टिक शॉक के अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, ये भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की वजह से होती है। तो ये हो जाएगी इन्फ्लेमेशन के सिस्टेमिक और लोकल साइंस। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है क्योंकि न्यूट्रोफिल है लेकिन लिम्फोसाइट और आरबीसीज नहीं है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसने प्लूरल फ्लूड की एकुमुलेशन करवा दी है। अगर एडिमा किसी भी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, सॉरी, फ्लूड की एकुमुलेशन किसी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, तो उसको एडिमा बोलते हैं, लेकिन उसी फ्लूड की एकुमुलेशन को जो किसी कैविटी में होती है उसको बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन और एडिमा दोनों का कॉज सेम होता है। तो यहाँ पर जो मेन इसका आंसर है वो है एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन है। जब आप पढ़ते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो फेज होते हैं, एक होता है रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स और वेस्कुलर रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है हमारा WBC रिस्पॉन्स। अभी हम वेस्कुलर रिस्पॉन्स की बात करते हैं। वेस्कुलर रिस्पॉन्स में सबसे पहले आता है चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले क्या होता है कि वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन हिस्टामिन की वजह से होती है। सबसे पहले वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन पहले आर्टरियोल्स की होती है, और आर्टरियोल्स के होने की वजह से नई कैपिलरी की तरफ ब्लड फ्लो कैपिलरीज की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा तो वहाँ पर उस एरिया पर रेडनेस आ जाएगी, और इसी एरिया पर एरिथीमा जिसको रेडनेस बोलते हैं, और हीट वगैरह जिसको वार्म्थ और कैलर वगैरह बोल देते हैं। ठीक हो गया। पेन को डॉलर बोलते हैं। वेजोडाइलेशन के बाद इनकी जो माइक्रोवेस्कुलेचर, इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। परमिएबिलिटी ज़्यादा होने का क्या मैकेनिज्म होता है, जब परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है वो पोस्ट कैपिलरी विनियोल की होती है। पहला मैकेनिज्म है परमिएबिलिटी के ज़्यादा होने का कि वो एंडोथेलियल सेल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स हैं ये होती है हिस्टामिन की वजह से, ब्रैडीकाइनिन की वजह से, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से। ठीक हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम की वजह से इंटर एंडोथेलियल गैप की ओपनिंग हो जाती है। इंटर एंडोथेलियल गैप की ओपनिंग की वजह से ज़्यादा फ्लूड लीक आउट करता रहेगा, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है सनबर्न। ठीक है। दूसरा है एंडोथेलियल इंजरी। अभी एंडोथेलियल इंजरी ये
एंडोथीलियल सेल नेक्रो किसकी वजह से हो सकती है, एंडोथीलियल इंजरी, या तो डायरेक्ट एंडोथीलियम की इंजरी हो गई है जिसकी वजह से परमियबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, या कोई फिजिकल इंजरी इम्प्लीकेट हो गई है जिस तरह थर्मल बर्न्स होते हैं, या माइक्रोब्स या माइक्रोबियल टॉक्सिन एंडोथीलियम को डैमेज करना शुरू कर दिया है, ठीक हो गया। ओके, तो पहला हो गया इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी बाय हिस्टामिन काइनेंस होते हैं, और इसके बाद दूसरा आता है कि जो एंडोथीलियल इंजरी है तो डायरेक्ट भी हो सकती है या ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड भी हो सकती है। अब वेजो डायलेशन की वजह से, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल को छोड़ने के बाद टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एडिमा वगैरह हो जाता है, ठीक हो गया। तो उसका सही जवाब क्या होगा, एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है, एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शंस होती है। अब यहाँ पर आर्टिकुलर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन है, हाँ, सबसे पहले एंडोथीलियम की इंजरी होती है तो सबसे पहले जो ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स आता है वो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन का आता है, ये हीमोस्टेसिस के अंदर आता है। इसी तरह हीमोस्टेसिस में एक होता है प्लेटलेट एडहेरेंस, लेकिन अगर प्लेटलेट की एडहेरेंस को इनहिबिट कर दोगे तो ये स्टेप भी एडिमा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, प्रोटीन रिच लिम्फ होता है, वो एकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको बॉडी कैविटी के अंदर येलो के बजाय काइल लाइक अपेयरेंस देखने को मिलती है, काइलस अपेयरेंस देखने को मिलती है, ठीक हो गया, काइलस अपेयरेंस देखने को मिलती है। अब लास्ट है न्यूट्रोफिल रिलीज बाय लाइसोसोम, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल ने लाइसोसोम को रिलीज़ कर दिया, तो जो न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ करते हैं वो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं, वो नेक्रोसिस करवा देते हैं, वो वेस्कुलर परमीएबिलिटी को कंट्रोल नहीं करते होते, ठीक हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्री करंट इन्फेक्शन विद पायोजेनिक बैक्टीरिया, स्टाफिलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन के बाद न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चला कि वहाँ पर आपको माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन वेरी फ्यू न्यूट्रोफिल है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रोफिल के फंक्शन को एसेस किया गया तो वहाँ पर रोलिंग में डिफेक्ट आया, रोलिंग में। तो हमने कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर रिस्पॉन्स आता है और दूसरा सेलुलर रिस्पॉन्स आता है। अब सेलुलर रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहला रोलिंग होता है, फिर दूसरा होता है इंटेग्रिन एक्टिवेशन, नंबर 3 स्टेबल एडहेशन और नंबर 4 माइग्रेशन होती है। जो रोलिंग होती है वो सेलेक्टिन की वजह से, इंटेग्रिन की एक्टिवेशन होती है कीमोकाइन की वजह से, स्टेबल एडहेशन होती है इंटेग्रिन की वजह से, और माइग्रेशन होती है CD31 PCAM की वजह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा सेलेक्टिन, सेलेक्टिन ही रोलिंग करवाते हैं। अगर इंटेग्रिन की एक्टिवेशन का पूछता है तो वो कीमोकाइन लिखते हैं, आप स्टेबल एडहेरेंस का पूछते हैं तो इंटेग्रिन लिखते हैं, माइग्रेशन का पूछता है तो CD31 लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, छोटी सी वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे।